मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो आज के जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, इट्स नॉट इन योर बुक्स, ठीक है? ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने लगा हूँ आज, ये आपकी बुक्स में मौजूद नहीं है। इट वॉज नॉट प्रेजेंट इन योर बुक्स बिफोर ग्रेड 5 एंड नॉट इवन आफ्टर ग्रेड 5। सो दिस इज अ सेल्फ जनरेटेड टॉपिक एंड चैप्टर। सो दिस इसका नाम है बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड नोट्स यू शुड नो एंड बी अवेयर ऑफ टू इंश्योर स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन मैथमेटिक्स। के जब आप को ये चैप्टर अच्छा आ जाएगा ना, तो योर मैथ विल बी सो गुड एंड आउटस्टैंडिंग दैट यू वोंट इवन हैव टू गो टू अ ट्यूशन एंड यू कैन हेल्प योर यंगर सिबलिंग्स और कजिन्स और हूएवर। सो टू इंश्योर अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज मेमोराइज योर टेबल्स फ्रॉम 2 टू 12, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली नेसेसरी दैट यू शुड नो योर टेबल्स फ्रॉम 2 टू 12, एटलीस्ट टिल 12। एंड सेकेंडली, प्रॉपरली अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेंट्रेट इन योर फिजिकल स्कूल क्लास एंड वाइल वॉचिंग द यूट्यूब। कि जब आप क्लास में बैठे हुए होते हैं और जब आपको टीचर कुछ करवा रहा होता है, तो आप उसमें गौर करें, आप देखें कि टीचर आपको क्या करवा रहे हैं। और सेम केस यूट्यूब वीडियो जब आप देख रहे होते हैं किसी एजुकेशनल चीज के बारे में, आप मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, किसी भी चीज के बारे में आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेट करें, आप ध्यान लगाएं कि ये क्या कर रहे हैं। द पर्सन मेकिंग यू द वीडियो, द पर्सन मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर, यू शुड आल्सो कॉन्सेंट्रेट। ही इज वेस्टिंग हिज टाइम टू हेल्प यू सो यू कैन सक्सीड। एंड डू नॉट गेट कन्फ्यूज इन सर्टेन चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स सच एज एलजेब्रा एंड इंटीजर्स। अब ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मुश्किल होते हैं, और भी थोड़े से चैप्टर्स हैं इन विच वी विल डू इन अपकमिंग वीडियोस, बट फॉर नाउ वी आर गोना स्टिक टू एलजेब्रा एंड इंटीजर्स। अभी तक हम अब यही करेंगे बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स दैट आर द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। इफ यू नो हाउ टू डू दिस देन यू विल एस मैथ, ठीक है? हाउ विल यू? For tables, it is very easy to memorize tables. The only thing you have to do is keep adding on the same number. Tables याद करने के लिए ना एक बहुत आसान तरीका है। जिस नंबर का आप टेबल याद कर रहे हैं ना, उसी के अंदर आपने उस नंबर को दोबारा ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम टेबल ऑफ फोर ले लेते हैं, ठीक है? तो वी ऑल नो कि टेबल ऑफ फोर कहाँ से स्टार्ट होता है। वन टाइम्स फोर इज फोर। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपको नहीं पता चल रहा कि टू टाइम्स फोर क्या होता है। सो वट यू आर गोइंग टू डू इज टेक दैट फोर एंड एड अनदर फोर। उसी फोर के अंदर आपने फोर प्लस कर देना है, क्योंकि फोर का टेबल है। तो वी विल कीप मूविंग फोर फोर नंबर्स फॉरवर्ड। तो वन फोर जार फोर रहता है, तो आप कैलकुलेट करेंगे कि फोर के अंदर फोर ऐड करेंगे तो वो एट हो जाएगा। नाउ यू डोंट नो व्हाट इज थ्री टाइम्स फोर, अब आपको नहीं पता चल रहा कि इसके बाद क्या आता है। यू विल ऐड फोर टू एट, ट्वेल्व आ जाएगा। फिर आप ट्वेल्व के अंदर फोर ऐड करेंगे, सिक्सटीन आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड ऑन ऑन जाते जाएंगे। तो इस तरह वन यू रीच ट्वेल्व, ट्वेल्व टाइम्स फोर इज 48, यू विल नोटिस दैट वी हैव एडेड 12 टाइम्स 4, के 12 टाइम्स 4, हमने 4 को 12 टाइम्स ऐड किया तो जाके हमारे पास 48 आए। तो यू कैन डू दिस विद एनी टेबल, आप किसी भी टेबल के साथ कर सकते हैं। 5 का है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यू जस्ट हैव टू कीप एडिंग द नंबर जिसका टेबल है। सो नेक्स्ट, यू शुड नो अबाउट साइंस। आपको साइंस का पता होना चाहिए बिकॉज दे आर इंटायरली बेस्ड ऑन योर मैथ्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। द साइंस आर प्लस एंड माइनस, ये दो साइंस है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के आपके मैथ्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आएंगे। अब आप जो है वो मैथ साइंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये आपको याद होना चाहिए कि प्लस एंड प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस, एंड व्हेन टू सब्ट्रैक्ट्स, टू सब्ट्रैक्शन इकट्ठी आ जाती है, माइनस माइनस होता है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। प्लस प्लस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड माइनस माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इन दिस केस नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम आ गया। अब हम प्लस और माइनस ले आ गए हमारे पास, अब हम क्या करेंगे? तो वी शुड ऑलवेज नो दैट प्लस माइनस इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस, एंड माइनस प्लस इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव। के पॉजिटिव पॉजिटिव जब मिलेगा तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव जब मिलेगा तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो ये नेगेटिव बनेगा। आई हैव रिटन दिस डाउन ओवर हियर, यू कैन सी द क्वेश्चन, यू शुड राइट दिस डाउन एज वेल एंड यू शुड मेमोराइज दिस, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बॉर्ड मैस। आपको बॉर्ड मैस आना चाहिए। बॉर्ड मैस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बॉर्ड मैस का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आप इधर नोटिस करेंगे कि डिफरेंट चीजें डिफरेंट ऑर्डर में लिखी हुई है। पहले ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, ठीक है? बॉर्ड बी फॉर ब्रैकेट्स, फिर ओ ऑफ, फिर डी आता है, डी से मतलब डिवीजन, फिर एम आता है, एम से मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए से मतलब एडिशन और एस से मतलब सब्ट्रैक्शन। अब ये एक ऑर्डर में है, पहले ब्रैकेट्स है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब लेट्स से हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, 20 प्लस 30 प्लस 10 माइनस 41 माइनस 5 इक्वल्स 4। अब ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसके हम देखेंगे अंदर के पहले ऐड हो रहा है, 20 30 से ऐड हो रहा है, फिर जो आंसर आएगा वो 10 से ऐड हो रहा है, एंड देन वी सी अ सब्ट्रैक्शन साइन। आई एम गोना यू ज़ूम इन फॉर यू।
ये देखें, ये प्लस है, फिर ये प्लस है, और फिर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 41 और फिर ये माइनस 5. सो इफ वी सी ओवर हेयर कि ये एक ऑर्डर में एक वजह से लिखा हुआ है. उसके बाद आप देखेंगे उसी इक्वेशन के अंदर अगर कोई डिविजन प्रेजेंट है तो यू विल डिवाइड दैट, देन यू विल प्रोसीड विद मल्टीप्लीकेशन एंड देन यू विल प्रोसीड विद एडिशन एंड लास्टली वी हैव सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन सबसे एंड में होता है. ये आपको मैं टिप दे सकता हूँ कि जब आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो यू विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इट एट द एंड अगर आपके पास पहले से मल्टीप्लीकेशन या एडिशन के साइंस हैं. सो वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल एग्जाम्पल क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, देन आई विल टीच यू एडवांस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स से वेरी बेसिक क्वेश्चन, वी हैव माइनस 4 प्लस 5 इक्वल्स नेगेटिव 1. Now you might be confused कि ये negative 1 क्यों, ये minus 1 क्यों है, ये सिर्फ 1 क्यों नहीं है. तो we will write down the question below. Minus 4 plus 5. So as I told you over here कि आपको ये याद होना चाहिए. This right over here. You should know. ये आपको याद होना चाहिए. If अगर आपको ये याद है तब ही आप ऐसे questions कर सकते हैं. वरना you will be stuck and then you will most probably end up doing the question wrong. तो देखते हैं इधर, अब हमारे पास दो signs मौजूद हैं. एक नेगेटिव का साइन है और एक पॉजिटिव का साइन है. एंड व्हाट वी डिड ओवर हियर इज, देखिए हमारे पास अब दो साइंस है, एक नेगेटिव का है और एक पॉजिटिव का है. तो व्हेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर एडेड दे ऑलवेज मेक अप नेगेटिव. नेगेटिव और पॉजिटिव ऑलवेज मेक अप नेगेटिव. सो लेट्स जंप बैक हियर. ये देखिए माइनस माइनस 4 प्लस 5. सो माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस एंड 4 माइनस 5 इज माइनस 1. अच्छा अब बैक टू द क्वेश्चन, माइनस 1 क्यों आया. सो वट एवर द साइन, जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वो हमेशा आंसर के साथ लगता है. अब आप देख सकते हैं इधर के 4 के साथ 4 माइनस 5 है एंड यू कैन सी दैट माइनस इज द साइन ऑफ 5. रिमेंबर के हमेशा जो साइन होता है ना वो नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है. कि अब ये देखें, ये इस क्वेश्चन में फर्स्ट ये माइनस 4 था और प्लस 5 था. नाउ इधर हम देख सकते हैं कि 4 के लेफ्ट हैंड साइड पे, 4 के उल्टे हाथ पे नेगेटिव है. इसका मतलब ये 4 का साइन है, 4 नेगेटिव है. इधर आप देख सकते हैं कि 5 के उल्टे हाथ पर पॉजिटिव है. इसका मतलब है कि 5 एक पॉजिटिव नंबर है, उसका साइन पॉजिटिव है. सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, तो माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस. एंड फिर जब इधर आ जाएंगे तो 5 का जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा. एंड वी विल ऑलवेज राइट द आंसर और उसका बड़े नंबर का साइन उस आंसर के साथ लिखेंगे. सो योर आंसर विल बी माइनस 1. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा अब इधर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, 19 है. अच्छा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर किसी नंबर के साथ साइन नहीं है तो ये क्या है. हर नंबर के साथ एक साइन होता है, इधर इट्स गिवन और इधर इट्स नॉट गिवन. अब इधर देख सकते हैं कि हमें, मैंने आपको दिया हुआ 515 का ये साइन है, नेगेटिव है. अब आप पूछ रहे होंगे कि 19 के साथ तो कोई साइन नहीं है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ एडिशन का साइन होता है. जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ एडिशन का साइन होता है. तो प्लस 19 माइनस 15 प्लस 4. Now, if we jump back here, इधर आके हम देखें इस क्वेश्चन से, ना हमारे पास इस क्वेश्चन में मल्टीप्ली ब्रैकेट्स हैं, ना डिविजन है और ना ही मल्टीप्लीकेशन है, बट वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. लेट्स जंप बैक हियर. वी कैन सी दैट ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले आता है. इसका मतलब हम पहले, सबसे पहले जब हम देखेंगे हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो फिर डिवीजन को देखेंगे, डिवीजन भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से एक कोई जरूर होगा. तो इधर हमारे पास पहले एडिशन आ रहा है. सो वी विल डू एडिशन हियर फर्स्ट. सो 15 प्लस 4 इज 19 एंड देन वी विल हैव 19 माइनस 19. एंड व्हाई इज दैट सो, मैं अब आपको दिखाता हूँ. मैंने आपको कहा था कि जब भी हम किसी सॉल्व करते हैं प्लस माइनस का, जो बड़े का साइन होता है वो हमेशा आंसर के साथ आएगा. तो प्लस 19 माइनस 15 प्लस 4, तो 15 और 4 सब्ट्रैक्ट होंगे. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 15 के लेफ्ट हैंड साइड पे उल्टे हाथ पे माइनस है और 4 के उल्टे हाथ पर प्लस है. तो जब माइनस और प्लस आपस में मिलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा. तो 15 माइनस 4 बन जाएगा माइनस 11. माइनस 11 क्यों? कि यू नो व्हाई, 15 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव का साइन है. अब ये 19 इधर आ जाएगा
और ये नेगेटिव 11 इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, 19 माइनस 11 इज 8, सो इट विल बी अ स्टैंडर्ड 8। अगर ये 11 माइनस 19 होता तो वो माइनस 8 होता है, क्यों? क्योंकि 19 के साथ माइनस का साइन है। इधर